हाय गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर इलेवन मार्केटिंग का मार्केटिंग का जो चैप्टर है उसका जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जहाँ से हमें करना था वो है हमारे पास नेक्स्ट इज लेबलिंग लेबलिंग क्या है लेबलिंग एक ऐसा डिज़ाइन होता है प्रोडक्ट का जहाँ पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेबल में दी जाती है प्रोडक्ट के लिए ऊपर कि किस टाइप का प्रोडक्ट है किस तरह का जो प्रोडक्ट है कैसे उसको यूज करना है क्या कंटेंट है प्रोडक्ट का क्या क्या उसमें फीचर्स हैं ये सारा किसमें दिया जाता है प्रोडक्ट के लेबलिंग में दिया जाता है अब लेबलिंग ग्राफर्स इसकी बहुत छोटी सी डेफिनेशन हम लोग करेंगे लेबलिंग्राफर्स वॉट इज द डेफिनेशन लेबलिंग टू द डिजाइनिंग ऑफ नॉट लेबर इट इज लेबल सॉरी लेबल टू पुट ऑन द पैकेज यानी इसका मतलब ये है कि जो डिज़ाइन किया गया है वो किस तरह से है कि पैकेट के ऊपर हम जो डिज़ाइनिंग करते हैं जो प्रोड्यूसर हैं वो डिज़ाइनिंग करते हैं उसको हम लेबलिंग कहते हैं लेबलिंग जो है वो कहाँ कहाँ यूज़ होती है डिटेल्ड इंफॉर्मेशन बताती है प्रोडक्ट की कि प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं क्या उसको यूज़ करने के क्या बेनिफिट्स हैं इससे आपकी कौन सी प्रॉब्लम दूर हो सकती है यानी हर चीज़ जो उस प्रोडक्ट को क्लैरिफाई करती है ठीक है फिर है कि इसका कंटेंट मेथड ऑफ यूज़ कैसे यूज़ करना है जैसे आपने देखा होगा कि जो हेयर ऑयल्स हैं आजकल जैसे केश किंग वगैरह हैं तो उनका यूज़ करने का मेथड क्या लिखा होता है या कंडीशनर्स के ऊपर भी मेथड लिखा होता है कि कैसे आपने उसको यूज़ करना है या हम कह सकते हैं फेशियल किट्स आपने देखी होंगी तो उनका यूज़ करने का मेथड लिखा होता है कि स्टेप वन क्या है स्टेप टू क्या है मतलब कि हर एक चीज़ पर मैथड ऑफ़ यूज़ लिखा होता है कि कोई भी पर्सन किसी भी तरीके से उसका गलत यूज़ ना कर ले कहीं उसको कोई आ, क्या कहते हैं बेनिफिट की जगह कोई नुकसान ना हो जाए तो ये सारा चीज़ें किस पे लिखी जाती हैं लेबलिंग पर लिखी जाती हैं उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है लेबलिंग के फंक्शंस फंक्शंस आई एम सेइंग की हमेशा किस में होने चाहिए सीरीज वाइज होने चाहिए ठीक है ठीके? पहला है डिस्क्राइब द प्रोडक्ट एंड स्पेसिफाइड कंटेंट्स प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करना और उसके कंटेंट को क्या करना स्पेसिफाई करना यानी कि मान लीजिए कि एक जैसे प्रोडक्ट में लेके चलती हूँ एक टूथपेस्ट है टूथपेस्ट के ऊपर लिखा होता है कि आपको इससे कोई गम प्रॉब्लम्स नहीं होंगी आपको जो छोटे छोटे कीटाणु हैं उनसे लड़ने में हेल्प करेगा फ़ाइट करने में हेल्प करेगा इसी तरह से अगर मैं एक और एग्जाम्पल लूँ किसी और प्रोडक्ट का तो जैसे मान लीजिए कि जो मेहंदी आती हैं जो हेयर पे लगाने वाली होती हैं जैसे हीना मेहंदी होती है या नेहा मेहंदी है कुछ को, कोई भी प्रोडक्ट है उसके ऊपर ये लिखा होगा कि जो प्रोडक्ट है उसको अगर आप यूज करोगे तो आपके हेयर अच्छे हो जाएंगे या आपका यूज करने से आपके हेयर फॉल जैसे शैम्पूज़ होते हैं उस पर लिखा होता है जो अलग से हेयर फॉल के होते हैं कि आपके हेयर फॉल कम हो जाएंगे इस शैम्पू को यूज़ करने से आपके हेयर सिल्की हो जाएंगे तो इस तरह से इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप दे सकते हो ठीक है फिर नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ़ द प्रोडक्ट और ब्रांड प्रोडक्ट और ब्रांड को आइडेंटिफाई करना अब मैंने पहले भी बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स दिए हैं पेन लेने जा रही हूँ कोई चिप्स लेने जा रही हूँ मैं कोई बिस्किट लेने जा रही हूँ तो ये जो लेबलिंग होती है ये क्या करती है कि हमारे को ये बताती है कि प्रोडक्ट का नेम क्या है यानी उसका ब्रांड क्या है लेबलिंग के ऊपर ही तो ब्रांड लिखा जाता है फिर ब्रांड क्या है दूसरा कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशनस होती हैं एड्रेस ऑफ मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चरर का एड्रेस क्या है बट इससे किसी भी कंज्यूमर को कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता लेकिन जो उसके ऊपर मैक्सिमम रिटेल प्राइस लिखा होता है और साथ ही साथ जो बैच नंबर या जो आपका क्या कह सकते हैं जो डेट ऑफ एक्सपायरी है डेट ऑफ मैन्युफैक्चर है ये जो लिखा जाता है इससे कंज्यूमर को बेनिफिट होता है ये सिर्फ ये बता रखा है कि प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन और उसके ब्रांड के लिए लेबल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो वो ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं लेबलिंग के अंदर फिर नेक्स्ट है ग्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट प्रोडक्ट की ग्रेडिंग करना ग्रेडिंग करने का मतलब है कि, कि किस टाइप का प्रोडक्ट है इसको यूज़ करने से आपको किस टाइप का बेनिफिट मिल सकता है ठीक है जैसे प्रोडक्ट इसमें एग्जांपल दे रखा है कि हेयर कंडीशनर है जब अलग अलग तरीके के हेयर कंडीशनर आते हैं हेयर फॉल के अलग आते हैं सिल्की हेयर के लिए अलग आते हैं और जो क्रीम्स आपने देखी होंगी जो नॉर्मल स्किन uh, है उसके लिए अलग क्रीम आती हैं जो ड्राई स्किन है उसके लिए अलग आती हैं ऑयली स्किन के लिए अलग क्रीम आती हैं तो ये क्या है प्रोडक्ट को ग्रेड कर दिया जाता है कि हाँ ये वाला प्रोडक्ट इस स्किन uh, टाइप के लिए या किसी और एक मतलब क्वालिटी बता दी जाती है कि ये उसके लिए सही है ठीक है फिर नेक्स्ट है हेल्प्स इन प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट्स प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट में हेल्प करता है अगर हम लेबलिंग पर जैसे आ, आ, बीच में हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मैगी का प्रोडक्ट था तो उस टाइम पर उन्होंने थोड़े टाइम बाद जैसे वो निकाला टमेटो सूप निकाला या और भी जो सूप्स वग़ैरह हैं वो निकाला तो वो क्या कर सकते हैं उसके साथ लेबल पर अटैच करके दे सकते हैं ये एक हमारे तरफ से क्या है आ, गिफ्ट है या फिर ये एक छोटा सा टेस्ट पहचानने के लिए कंज्यूमर को कि ये एक, एक एक्स्ट्रा चीज़ है जो आपको मिल जाएगी यानी उसके अंदर हम क्या, क्या दे देते हैं इनसाइड में ही कोई ना कोई एक आ, स्कीम लगा देते हैं जैसे अब कुछ अगर आप बहुत बड़ी क्वांटिटी में लेने जाते हो अगर शॉर्ट क्वांटिटी में है तो तो उतने ही प्राइस पे मिलता है अगर बड़ी क्वांटिटी में लेने जाते हो तो वो चीज़ें डिस्काउंट में मिल जाती हैं तो ये क्या होता है लेबलिंग में डिस्काउंट लगाने में जब लेबलिंग करते हैं प्रोडक्ट की उस टाइम पे अगर आ, किसी कंज्यू सॉरी प्रोड्यूसर को डिस्काउंट देना है आ, तो वो क्या कर देता है उस लेबल पर अपना डिस्काउंट वगैरह या जो भी उसको एक्स्ट्रा कुछ देना है तो वो दे सकता है सैम्पलिंग के लिए जो प्रोडक्ट्स देते हैं जैसे मैंने भी एग्जाम्पल दिया कि सैम्पलिंग के लिए दे दिया क्या दे दिया टोमेटो कैचअप दे दिया मैगी प्रोडक्ट्स के साथ ठीक है या सूप दे दिया जो भी उनको सैम्पल के लिए देना होता है वो लोग वो दे देते हैं फिर नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉ लॉ के द्वारा कौन कैसी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती हैं यानी कई बार जो हमारे सीग्रेट्स होते हैं या जो पान मसाला वगैरह है तंबाकू है इनके क्या होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा हेल्थ को ख़राब करते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से लॉ की तरफ से ये बोला जाता है कि इन पैकेट्स के ऊपर लेबल लगा दिया जाना चाहिए कि आपके इंजरियस टू हेल्थ हैं और इससे कैंसर हो सकता है ये बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस मटेरियल है तो जैसे कुछ ड्रग्स होती हैं कुछ जो मेडिसन्स होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा ड्रग्स पाई जाती है तो उस पर भी लिख दिया जाता है कि इसका ज़्यादा यूज़ ना करें ठीक है बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के आपको इसको यूज़ नहीं करना है तो इस तरह से जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो लगा दी जा सकती है लेबलिंग के द्वारा फिर तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है प्राइसिंग प्राइसिंग क्या है हम कभी भी कोई भी प्रोडक्ट अगर खरीदना चाहते हैं उसके बदले में जो हम कंसिड्रेशन देते हैं यानी उसके बदले में जो हम पैसा देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं प्राइज ऑफ द प्रोडक्ट अब यहाँ पे बिना प्रोडक्ट इज बॉड सम मनी इज़ पेड फॉर इट जब भी कोई प्रोडक्ट हम लेते हैं तो उसके लिए कोई मनी पे करते हैं एंड रिप्रेजेंट द सम वैल्यूज डेट कस्टमर देखो इसमें यह बात बोली गई है कि कस्टमर को अगर उस प्रोडक्ट से कोई बेनिफिट लगता है उसके काम का अगर वो प्रोडक्ट लगता है और वो उस प्राइस से सुटेबल है कि हाँ मैं ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है तो अगर इसका प्राइस थोड़ा सा बढ़ भी गया तो वो देने को राज़ी होता है ठीक है तो ये क्या होता है प्रोडक्ट की प्राइजिंग की किस टाइप से उसका प्रोडक्ट का प्राइस होना चाहिए अगर हम सिंपल वे में बात करें इन सिंपल वे वी कैन से प्राइस में भी देयर फॉर बी डिपेंड एज द अमाउंट ऑफ मनी पेड बाय अ बायर जो मनी बायर को पे बायर ने पे करनी है और रिसीवर ने लेनी है यानी सेलर ने लेनी है इन द कंसिडरेशन ऑफ अ परचेज ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस किसके कंसिडरेशन में कि कोई प्रोडक्ट लिया है कोई सर्विस ली है उसके कंसिडरेशन में ये किया जाता है ठीक है प्राइस कैसे डिटरमाइन होते हैं आप इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं प्राइस डिटरमाइन होते हैं बाय द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट अगर डिमांड ज्यादा है तो अगर प्रोड्यूसर प्रोडक्ट की डिमांड के हिसाब से डिमांड ज्यादा है अगर वो प्राइस बढ़ा देता है तो भी उसका प्रोडक्ट सर्वाइव कर सकता है लेकिन अगर डिमांड ही कम है अगर वो प्राइस बढ़ा देगा तो क्या होगा उसका प्रोडक्ट सर्वाइव नहीं करेगा ठीक तो है तो डिमांड अगर ज्यादा है तो प्रोडक्ट का प्राइस भी ज्यादा होगा डिमांड कम है तो प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो भी कम होगा ठीक है फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस डिटर्मिनेशन प्राइस डिटर्मिनेशन के क्या क्या फैक्टर्स हैं पहला है प्रोडक्ट कॉस्ट प्रोडक्ट कॉस्ट का मतलब है कि जो प्रोडक्ट आपको सेल के लिए दिए गए हैं उसकी कॉस्ट यानी जैसे हमारी जो कॉस्ट है वो तीन तरह से डिवाइडेड की जाती हैं एक होता है फिक्स्ड कॉस्ट दूसरा होता है वेरिएबल कॉस्ट एंड थर्ड वन इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होती हैं अगर वो जो प्रोडक्ट है अगर तो उसकी हमारे को कोई प्रॉफिट भी नहीं हो रहा तब भी ये कॉस्ट हमें पे करनी पड़ती हैं जैसे कि रेंट ऑफ अ बिल्डिंग और जो सैलरी है सेल्स मैनेजर की वो पे करनी है ठीक है फिर हमारे पास नेक्स्ट आती है वेरिएबल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट का मतलब है कि वो वाली कॉस्ट जो डायरेक्टली इफेक्ट करती हैं विद द लेवल ऑफ एक्टिविटी जैसे चेयर बनाने के लिए सौ रुपए की वुड है और दस चेयर बन जाती हैं तो ये डायरेक्टली किस पे इफेक्ट करती है लेवल ऑफ एक्टिविटी पर ऐसे ही सेमी वेरिएबल कॉस्ट जो लेवल ऑफ एक्टिविटी को बेशक अफेक्ट करती हैं लेकिन डायरेक्ट पोर्शन में अफेक्ट नहीं करती हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन में ये अफेक्ट नहीं करती हैं ठीक है ठीके? और फिर इसके बाद इन लेवल ऑफ एक्टिविटी के हिसाब से ही देखा जाता है कि कौन सी कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है टोटल कॉस्ट का सम कर देते हैं फिर उसके बाद उस लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी को देखते हैं उस हिसाब से प्राइस डिसाइड कर दी जाते हैं यानी कि जितनी हमारी कॉस्ट है उससे ज़्यादा ही करेंगे कोई भी प्रोड्यूसर ये नहीं चाहता कि वो लॉस में प्राइस डिसाइड करें ठीक है फिर नेक्स्ट आता है यूटिलिटी एंड डिमांड यूटिलिटी एंड डिमांड का मतलब है जितना कंज्यूमर यूटिलिटी का मतलब होता है पावर ऑफ सेटिसफेक्शन यूटिलिटी का मतलब क्या है पावर ऑफ सेटिसफेक्शन के कंज्यूमर को कितना सेटिसफेक्शन मिल रहा है अगर तो जो डिमांड है वो इलास्टिसिटी भी देखी जाती है डिमांड की अगर वो इलास्टिक है और अगर हम स्मॉल चेंज प्राइस में कर देते हैं तो डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा तो उस हिसाब से प्राइस का क्या कर दिया जाता है डिसाइड कर दिया जाता है अगर मान लीजिए मेरे प्रोडक्ट की मैंने सारी कॉस्ट ऐड कर रही उसके बाद मैंने सोचा कि ये प्राइस में रख देती हूँ लेकिन मेरी जो डिमांड है वो थोड़ी इलास्टिक है या इन इलास्टिक है ये सारी इलास्टिसिटी भी देखी जाती है अगर मैं देखूँ कि मेरी प्रोडक्ट की जो डिमांड है मान लीजिए मेरा जो प्रोडक्ट है वो है आटा ठीक है मैं आशीर्वाद आटा बनाती हूँ ठीक है बनाती मैं नहीं हूँ बट मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया मैं आशीर्वाद का जो आटा है मैं वो प्रिपेयर करती हूँ वो मैं मैन्युफैक्चर करती हूँ अगर मैं उसका प्राइस बढ़ा भी दूँ और कंपनीज के हिसाब से मैं अगर उसका प्राइस बढ़ा भी दूँ जो मेरे कंज्यूमर्स हैं अगर उनको लगेगा कि हाँ मेरे को आटा तो परचेज करना ही करना है तो उससे क्या होगा कि उनकी जो डिमांड है वो उतनी ही रहेगी लेकिन मेरा प्राइस बढ़ जाएगा तो ये देखा जाता है कि यूटिलिटी और डिमांड में क्या रिलेशन है ठीक है फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्सटेंट ऑफ कॉम्पिटिशन इन द मार्केट मार्केट में कॉम्पिटिशन बढ़ाना जितना ज़्यादा डिग्री ऑफ कंपटीशन होगा उतना ज़्यादा प्राइस जो है वो हमारे क्या होंगे देखिए द प्राइस विल टेंड टू रीच द अपर लिमिट इन द केस ऑफ द लेसर डिग्री ऑफ कंपटीशन अगर लेसर डिग्री ऑफ कंपटीशन है तो, तो प्राइस हम बढ़ा सकते हैं अगर मैं आटे का प्राइस मान लीजिए आशीर्वाद आटे के साथ शक्ति भोग आटा और बहुत सारे आट जो हैं तो अगर वो बीट का जो प्राइजेस है अगर मैं बढ़ा देती हूँ तो कंज्यूमर क्या हो जाएंगे दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे ठीक है अगर लेसर डिग्री है जैसे इलेक्ट्रिसिटी अगर हम मैं उसका प्राइस बढ़ा दूँ इलेक्ट्रिसिटी का तो कंज्यूमर को वो पे करना ही पड़ेगा ठीक है तो ऐसे भी देखना पड़ता है कि कंपटीशन कहाँ है इलेक्ट्रिसिटी में कोई कंपटीशन नहीं है अगर कंपटीशन होता तो अगर मैं प्राइस बढ़ाती तो कंज्यूमर कहीं और शिफ्ट हो जाता तो ये भी ध्यान रखना पड़ता है अगर ऐसा डिग्री ऑफ़ कंपटीशन है तो प्राइस हम बढ़ा सकते हैं लेकिन अगर कंपटीशन का जो डिग्री है वो बहुत ज़्यादा है या फ्री कंपटीशन है हर जगह कंपटीशन है तो प्राइस का लेवल उतना ही रखना पड़ेगा लोवेस्ट लेवल रखना पड़ेगा कि कंज्यूमर कहीं और शिफ्ट ना हो जाए उसके बाद है गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशन गवर्नमेंट और लीगल रेगुलेशन में क्या है कि जो गवर्नमेंट है अगर कोई भी पब्लिक अन ट्रेड फेयर प्रैक्टिस में रेगुलेट जो गवर्नमेंट है मेनली क्या करती है प्राइजिज को डिटरमाइन कैसे करती है अगर मान लीजिए कि जो ड्रग्स हैं आजकल तो उसने क्या कर रखा है अपना मोनोपोली लाइफ ले रखा है मोनोपोली मींस कि सिर्फ उसी उसी पर्सन की चलेगी ठीक है मार्केट के अंदर अगर वो एक ट्वेंटी रुपीज़ का मान लीजिए जो सॉरी ट्वेंटी नहीं टू हंड्रेड की अगर ड्रग्स आ रही हैं लेकिन जो वो प्रोड्यूसर है वो कहता है मैं थाउजेंड में बेचूंगा तो इससे क्या हो रहा है कंज्यूमर क्या हो रहा है उन अनट्रेड फेयर प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हो जाता है इन्वॉल्व होने का मतलब है उसके साथ कहीं ना कहीं धोखाधड़ी हो रही है तो इन तरह की धोखाधड़ी को रोकने के लिए गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है और उस प्राइस को एक ढंग के प्राइस में डिटरमाइन कर देती है ठीक है यानी जो जैसे प्रोड्यूसर को भी लॉस ना हो और जिससे जो कंज्यूमर है वो क्या करें उसको भी कोई धोखाधड़ी का सामना ना करना पड़े उसके बाद है प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स यानी कि प्राइस कैसा होना चाहिए क्या प्रोड्यूसर मैक्सिमम प्राइस ले सकता है या कंज्यूमर मिनिमम प्राइस ले सकता है तो ये हम किस में देखते हैं प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स में फिर इसमें दो पॉइंट्स दे रखे हैं ऑप्टेनिंग मार्केट शेयर लीडरशिप अगर तो कंज्यूमर चाहता है कि मार्केट का शेयर उसके पास आ जाए या इट विल कीप द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एट लोअर लेवल्स लोअर लेवल पे रखेगा कि उसको क्या चाहिए मार्केट में उसका शेयर चाहिए लीडरशिप चाहिए मार्केट में तो वो पहले पहले प्रोडाइस जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो बहुत कम रखेगा जैसे जियो कंपनी ने क्या करा पहले बहुत कम रखा कई बार पहले तो स्टार्टिंग स्टार्टिंग फ्री सर्विसेज भी थी बहुत सारी तो उसने क्या करा पहले तो प्राइस कम रखा जब उसने पूरी मार्केट में अपना लीडरशिप ले लिया तब उसने प्राइजेस एकदम से बढ़ा दिया अब कोई भी कंज्यूमर उसको छोड़कर शिफ्ट नहीं हो पा रहा ठीक है बिकॉज ऑफ क्या कर लिया इसने अपना एक तरीके से पूरी मार्केट में मोनोपोली क्रिएट कर लिया ऐसे ही दूसरा सर्वाइविंग इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट अगर जो कंपनी है वो ये चाहती है कि वो मार्केट में सर्वाइव करे तो उसका जो कंपटीशन है जो कॉम्पिटिटर है उसके भी उसकी जो पॉलिसीज हैं उसको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो किस टाइप की पॉलिसी को यूज करता है नेक्स्ट है अटेनिंग प्रोडक्ट प्रोडक्ट क्वालिटी क्वालिटी लीडरशिप लीडरशिप में क्या है नॉर्मली हायर प्राइसेस आर चार्ज टू कवर हाई क्वालिटी एंड हाई कॉस्ट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत सारी रिसर्च और डेवलपमेंट्स होती हैं जब कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है तो क्या किया जाता है जो भी प्रोडक्ट का प्राइसेस है वो किन से चार्ज किया जाएगा कंज्यूमर से चार्ज किया जाएगा उसकी हाई क्वालिटी के लिए अगर जो सस्ती सस्ती क्वालिटीज़ होती हैं उसके लो प्राइस होते हैं क्योंकि तो पता है सस्ती क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं लेकिन अगर क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है तो उसके प्रोडक्ट का प्राइस हमेशा ऊपर ही रहेगा अगर वो क्वालिटी बेसिस पे डिसाइड करते हैं तो ठीक है फिर उसके बाद है मार्केटिंग मेथड यूज़ मार्केटिंग मेथड यूज़ करते हैं प्राइस को फ़िक्स करने के लिए बहुत सारे मार्केटिंग मेथड यूज़ किए जाते हैं जैसे एडवर्टीज़मेंट क्वालिटी कैसी है प्रोडक्ट की अगर क्वालिटी अच्छी है तो प्राइस अच्छा होगा अगर एक कंपनी फ्री होम डिलीवरी देती है तो इट हैज़ सम ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन फिक्सिंग प्राइजेज़ तो उसके पास फ्लेक्सीबिलिटी होती है कि प्राइजेस को भी फिक्स कर सके अगर वो फ्री डिलीवरी दे रही है तो वो क्या करती है वो डिलीवरी भी आपसे लेती है आपको नहीं पता लेकिन उस प्रोडक्ट में कहीं ना कहीं वो प्राइस ऐड कर दिया जाता है ठीक है आज हम इतना ही टॉपिक करेंगे लेकिन आज के लिए आपके लिए मैं होमवर्क देने वाली हूँ एक हमने मार्केटिंग फ़िलासफीज़ पढ़ी थी उसके ऊपर कुछ फॉलोइंग केसेस हैं मैं एक बार आपको रीड करके बता देती हूँ तो आपको ये बताना है कि इन केसेस में कहाँ कहाँ मार्केटिंग फिलोसफीज़ है यानी कौन कौन सी मार्केटिंग फ़िलासफीज़ किस केस में लाइक कर रही हैं ये आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट सेक्शन में जिसका आंसर सही हुआ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में उस पर्सन का नेम अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेने वाली हूँ और बताने वाली हूँ कि इसका आंसर सही था ठीक है तो मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि क्या आंसर है इसका पहला क्वेश्चन जो है वो है एट लिमिटेड ए लिमिटेड कंपनी है जो फोकस इज ऑन क्वालिटी ऑफ लेदर बैग इट प्रोड्यूस दैन क्वान्टिटी वो क्वालिटी पे ध्यान नहीं दे रही है क्वांटिटी पे ध्यान दे रही है वे नेक्स्ट है जो राम लिमिटेड है वो ये बिलीव करती है कि कंज्यूमर की नीड और वांट को सेटिस्फाई करना चाहिए उसको समझना चाहिए फिर तीसरी कंपनी जो है वो मधु लिमिटेड है वो ये कहती है कि पब्लिक की हेल्थ और इन्वायरमेंट पर ध्यान देना चाहिए कि जिससे कंज्यूमर सेटिसफाई रहे ठीक है अब इन तीनों के आंसर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करें और अगर आप मेरे से मेरी वीडियोस से थोड़ा आपको हेल्प हो रही है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें क्योंकि आने वाली जो मेरी वीडियोस होंगी वो सारे इन टॉपिक्स पे बेस्ड हैं उसके बाद हम केस स्टडीज़ की छोटी छुट छोटी केस स्टडीज़ की रिविज़न अभी साथ के साथ वीडियोस में करते जाएंगे फिर हम जो लॉन्ग केस स्टडीज़ आते हैं उनकी रिविजन भी आसानी से कर लेंगे ठीक है एंड बाय बाय